फ्रेंड्स, हेल्दी कढ़ाई की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी किचन में कुक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मी के घर, जहाँ पे वो बना रही हैं मेरे फेवरेट गोंद के लड्डू। सर्दियों में गोंद के लड्डू अक्सर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो आइए कुक करते हैं मेरी मम्मा के साथ और देखते हैं कैसे बनते हैं ये हेल्दी गोंद के लड्डू। मैं उम्मीद करती हूँ हेल्दी कढ़ाई की वीडियोस आपको जरूर पसंद आ रही होंगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए हेल्दी कढ़ाई को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी नई रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मम्मा पूरी फैमिली के लिए लड्डू बना रही हैं, तो हम यूज करेंगे 1.5 किलो आटा, 1.25 किलो पिसी हुई चीनी। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप 1.5 किलो भी ले सकते हैं। 1.5 किलो देसी घी, ये लड्डू देसी घी में ही बनते हैं। 100 ग्राम गोंद, गोंद की क्वांटिटी आप 200 ग्राम भी ले सकते हैं अगर आपको गोंद ज्यादा पसंद है तो। फिर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं इन लड्डू के लिए। हम यूज करेंगे बादाम, फूल मखाने थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, और पिसा हुआ नारियल। नारियल को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से पसंद हो वैसे आप नारियल यूज करिए। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर हम 2 बड़े चम्मच घी के गरम करेंगे और इसके अंदर हमें रोस्ट करना है फुल मखाने को। हम हाई फ्लेम के ऊपर मखानों को रोस्ट करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे फुल मखाने को रोस्ट करने के लिए, जब तक कि ये क्रिस्प हो जाए। मखाने रोस्ट हो चुके हैं, आइए इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं। फिर सेम कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा और घी गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे गोंद। गोंद घी में जाते ही फूल जाता है, ये देखिए। अगर आप ठंडे घी में गोंद डालेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा, ये फूलेगा नहीं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि घी बिल्कुल गर्म होना चाहिए जब गोंद डाले, तो ये अच्छे से फूल जाएगा, ये क्रिस्पी हो जाएंगे। और अब हम गोंद को भी कढ़ाई में से बाहर निकाल लेते हैं। फिर बाकी सारा बचा हुआ देसी घी को अब हमें गर्म करना है सेम कढ़ाई के अंदर। घी गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे आटा। आटा आप थोड़े थोड़े पोर्शंस में डालिए, जिससे कि आटे की गांठ ना बन जाए। अब हमारा आटा और घी अच्छे से मिक्स हो गया है, हमें इसे हाई फ्लेम के ऊपर सेकना है जब तक आटा ब्राउन हो जाए। गोंद के लड्डू बनाने में सबसे ज्यादा टाइम आटा सेकने में लगता है, आपको लगातार आटे को हिलाते रहना है जिससे कि हमारा इवन ब्राउन कलर आए। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आपको बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ेगी आटा को भूनते समय। जब तक हमारा आटा भून रहा है, साथ ही मैं क्रश कर लेती हूँ हमारे फ्राई किए हुए मखाने और गोंद को। मैंने बादाम को भी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर पीस के रख लिया है, आप इस तरीके से आसानी से क्रश कर पाएंगे सारे ड्राई फ्रूट्स को। अगर आप ये गोंद के लड्डू बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिक्सर ग्राइंडर में सारे ड्राई फ्रूट्स को इकट्ठे पीस सकते हैं और फिर आप लड्डू में ऐड कर दीजिए। ये देखिए, ये फूले हुए गोंद हैं। सर्दियों में गोंद खाने से आपकी बॉडी में गर्माहट आती है, इसलिए आपको गोंद सर्दियों में जरूर खाना चाहिए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारा आटा भुन गया है, ये बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर आया है आटे का। जब आटा भून जाए तो इसमें आप ऐड कर दीजिए पिसे हुए बादाम। बादाम को आप चॉप भी कर सकते हैं। और अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और बाकी क्रश किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर मिला दिया है। ये मैंने डाल दिया नारियल, और सभी ड्राई फ्रूट्स को आप आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस मिक्सचर को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, बहुत ज्यादा देर नहीं, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए इसे ठंडा कर देंगे। 10 मिनट के बाद हमें पिसी हुई चीनी को इस मिक्सर के अंदर मिक्स करना है। आपको ध्यान रखना है कि मटेरियल बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर चीनी अच्छे से मिलेगी नहीं। तो मिक्सर जब हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप उसमें चीनी डाल दीजिए और सभी चीजों को आप अच्छे से मिला लीजिए। आप चाहें तो हाथों से भी इस मिक्सर को मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर थोड़ा हैवी होता है, इसलिए इसे थोड़ा सा टाइम लगता है मिक्स करने में। ये देखिए, अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है।
इसको हम पंजीरी भी कहते हैं। तो अगर आप लूज इसी तरीके से खाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बट हम इनके बनाएंगे गोंद के लड्डू। मेरी मामा गोंद के लड्डू बना रही हैं। आपको इस तरीके से थोड़ा प्रेशर देना है लड्डू बनाने के लिए, जिससे कि उसकी अच्छी सी शेप बन जाए। आराम से बैठ के आप सारे मिक्सचर का लड्डू बनाइए। थोड़ा टाइम लगेगा बट मजा बहुत आएगा। और तैयार है हमारा गोंद का लड्डू। इसी तरीके से हमने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। सर्दियों में गोंद का लड्डू खाने का बहुत ही मजा आता है। गोंद का लड्डू प्रेग्नेंट लेडीज को या डिलीवरी के बाद भी लेडीज को दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है। तो एंजॉय करिए गोंद के लड्डू को। गोंद के लड्डू की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अपने सुझाव हमें लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, और हेल्दी कढ़ाई को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।